Hello dear students, in this video lecture we will learn the image formation by a plane mirror. Okay, also we will see some formulas, and those formulas will be very useful to solve numericals on image formation by a plane mirror. So let's start this video lecture. So first we will see how an image formed by a plane mirror. So here we have a plane mirror mm dash. Okay, mm dash is our plane mirror. Okay, now here AB is a object. A is called head of object, B is called tail of object. Okay, so first we will take a point A. पहले हम क्या लेते हैं point A को लेते हैं. Now you can see that two rays are emerging from point A. दो rays point A से निकल रही हैं, ठीक है. First ray is incidenting normally on a plane mirror. जो पहली ray है it is incidenting normally on a plane mirror. So what will happen? It will reflect back on a same path. We already learned this law, why this ray will reflect back on a same path. Okay, here also once again I will explain that because this incident ray incidenting normally on a mirror, the incident angle becomes zero. Okay, now because incident angle is zero, so by the law of reflection the reflecting angle will also be zero, so it will reflect back on a same path. Okay, now see this ray is coming and incidenting obliquely on a plane mirror. So what will happen? By the law of reflection it will reflect back obliquely. ठीक है, ये रूल होता है रिफ्लेक्शन का कि अगर कोई रे है वो रे आकर तिरछी जो है किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है मिरर पर तो क्या होगा, उसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ओके, नाउ इफ आई एक्सटेंड बोथ दीज रिफ्लेक्टेड रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इन्हें अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, विच इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बट वर्चुअली वी कैन एक्सटेंड बोथ दीज रिफ्लेक्टेड रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो वॉट वी सी डेट दीज टू रेज सीम्स टू कट इच अदर एट अ पॉइंट ए डैश. ठीक है, दीज टू रेज सीम्स टू कट इच अदर एट अ पॉइंट ए डैश. तो ए डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए डैश विल रिप्रेजेंट अ इमेज ऑफ दिस पॉइंट ए. ए डैश जो होगा वो ये जो पॉइंट ए है उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेज को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो उसका हेड है ऑब्जेक्ट का उसकी इमेज मिल जाएगी हमको, ये मिल गई ए डैश. ठीक है, अब ऐसे ही हम इमेज पता करते हैं किसकी, पॉइंट बी की. ठीक है, तो पॉइंट बी के लिए भी सेम हम दो रेज मान लेते हैं, दीज आर द टू रेज. पहली जो रे आ रही है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पर, तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे. ठीक है, दूसरी जो रे आ रही है, दूसरी रे जो है वो तिरछी जो है वो इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पर, इंसिडेंट हो रही है मिरर पर. ठीक है, तो मिरर पर किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उतने ही एंगल पे वापिस. ठीक है, सो यू कैन सी दैट दिस रे विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल. ठीक है, अब वापस से वही कॉन्सेप्ट करते हैं कि वी एक्सटेंड बोथ दीज रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. सो व्हेन यू एक्सटेंड बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन दे सीम्स टू कट ईच अदर एट अ पॉइंट दिस पॉइंट बी डैश. तो बी डैश जो है वो हमें क्या मिलेगा, बी का बी डैश जो होगा, बी डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो बी पॉइंट है उसकी इमेज को. ठीक है, अब अगर आप ए डैश और बी डैश को कनेक्ट कर देते हैं तो ए डैश बी डैश क्या करेगी, इमेज रिप्रेजेंट करेगी किसकी, ए बी की. ए बी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहा बनेगी, ये ए डैश बी डैश. ठीक है, नाउ इस इमेज फॉर्मेशन से आप कुछ पॉइंट्स लर्न कर सकते हो. वो पॉइंट्स क्या है, पहली बात जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है प्लेन मिरर से वही डिस्टेंस जो है इमेज की होती है प्लेन मिरर से. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर. जो डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर से क्या रहेगी, सेम रहेगी. दूसरी चीज आप ये देख सकते हो, दूसरा जो पॉइंट है द सेकंड पॉइंट इज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. ओके, दिस इमेज फॉर्म इज वर्चुअल सो दैट वी रिप्रेजेंटिंग दीज रेज इन अ डॉटेड लाइन्स. ओके, सो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड दिस इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. मिरर की ये साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाला जो होता है वो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर. तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी. ठीक है, थर्ड थिंग यू कैन नोटिस दैट दिस इमेज इज इरेक्ट. ओके, सो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट ऑल्सो. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज
laterally inverted. Okay, so this point we will study in a next figure. Okay, so let's see this. In this diagram you can see that O is a object, point object, and I is a image of this point object. Okay, as it object moves in upward direction, image is also moves in a upward direction. As the object moves in a downward direction, the image is also moves in a downward direction. Okay, if I bring the object near to a plane mirror, the image is also comes near to the plane mirror. Okay, as I bring the object near to a plane mirror, image is also comes near to a plane mirror. Okay, so you can see that the distance of an object from a plane mirror is always equal to the distance of an image from a plane mirror. One thing you can also notice that these are the two rays emerging from the object and they are incidenting obliquely on a plane mirror, and after reflection both these rays will reach to a eye. Okay, and virtually they cut each other at this point where the image is formed. Jahan par image ban rahi hai, wahan par ye virtually they seems to cut each other. So it is very important that these rays after reflection will reach our eyes. Then only our eye can see the image. Okay, I hope you understand this diagram. Let's move. Now you can see this diagram. In this diagram, mm dash again is a plane mirror. It denoted mm dash as a plane mirror. AB is our object. Okay, AB is our object and the height of our object is h. Okay, now the distance of object, the distance of object from a plane mirror is u. Okay, now these are the two rays emerging from point A. One is incidenting normally on a plane mirror, so it will reflect back. There is another ray. This ray is incidenting. This ray is incidenting obliquely on a plane mirror, so it will reflect back with the same angle. Okay, now if you extend both these rays in a backward direction, they seems to cut each other at a point A dash. Okay, so this A dash denotes the image of point A. Okay, now similarly there is the two rays, two light rays from point B. Okay, now first is go normally and incidenting on a this plane mirror, so it will reflect back. Okay, another ray is incidenting obliquely on a plane mirror, so it reflects back obliquely. Okay, now again if you extend both these two rays in a backward direction, they seems to cut each other at a point B dash. So B dash denotes the image of this point B. Now if you connect A dash to B dash, so A dash B dash will represent the image of this object AB. As you can see that the height of image is equal to the height of object. Also we take distance of this image from a plane mirror is V. Okay, so now let's see what is a sign for a distance of object from a mirror and a distance of an image from a mirror. So remember, when you go from left side to right side, so we consider this left side to right side as a direction of a light ray. ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने पहले भी स्टडी करा है, तो यहाँ पर भी वही रूल लगाते हैं कि अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो तो वो सारी डिस्टेंस हमको पॉजिटिव लेनी है. लेफ्ट से राइट की तरफ कोई भी डिस्टेंस आप मेजर अगर करते हो तो वो डिस्टेंस हमको क्या लेनी है, पॉजिटिव. और राइट से लेफ्ट की तरफ कोई भी डिस्टेंस लोगे आप तो वो डिस्टेंसेज हमें कैसे लेनी है, नेगेटिव. ठीक है, और सारी डिस्टेंसेज हम कहाँ से लेंगे, मिरर से. ओके, तो चलो देखते हैं कि U का क्या साइन आएगा और V का क्या साइन आएगा. तो ये आप भी बता सकते हो, जैसे U हम मेजर करेंगे तो U हम मिरर से लेंगे. मिरर से ऑब्जेक्ट जो है अपना AB, वहां तक के डिस्टेंस. तो मिरर से आप जब AB की तरफ आओगे तो हम क्या होंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे. तो राइट साइड से आप लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो तो हम कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव. तो यू को हमें कैसा लेना है, नेगेटिव. तो जो साइन मिलेगा यू को कैसा मिलेगा, नेगेटिव माइनस. ओके, ऐसे ही वी जो डिस्टेंस लोगे आप, वी डिस्टेंस कैसे लेंगे हम, मिरर से इमेज तक के डिस्टेंस. तो मिरर से आप इमेज तक की जब डिस्टेंस लोगे तो आप कैसा आओगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ. तो लेफ्ट साइड से जब आप राइट साइड की तरफ आओगे तो हमें ये साइन कैसा लेना है, इस तरह पॉजिटिव साइन लेना है. ओके, तो वी हम कैसा लेंगे,
पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम अ मिरर। लेट्स मूव नाउ, लेट्स सी व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ लेटरली इन्वर्टेड। ओके, अब देखते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर से, हम कह रहे हैं कि दैट इमेज इज अ लेटरली इन्वर्टेड। तो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लेटरली इन्वर्टेड। सो हियर यू कैन सी दिस लेटर पी। ओके, सो दिस पी इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, दिस पी इज अवर ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टेक थ्री पॉइंट्स। दिस इज टॉप पॉइंट, दिस इज मिडिल पॉइंट एंड दिस इज अ बॉटम पॉइंट। ओके, सो लेट्स टेक टू रेज फ्रॉम द टॉप पॉइंट। दिस रे गोज नॉर्मली, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। दिस रे गोज ऑब्लिक्वली, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिक्वली। ठीक है, नाउ एक्सटेंड बोथ दीज रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, दे सीम्स टू कट इच अदर एट दिस पॉइंट। सो दिस इज अ इमेज ऑफ टॉप पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको जो टॉप पॉइंट है ये इसका ऑब्जेक्ट का, उसकी इमेज आपको इधर मिल जाएगी। ओके, एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ सिमिलरली टेक अ मिडिल पॉइंट एंड सिमिलरली टेक अ बॉटम पॉइंट। सो यू विल गेट दैट दीज आर द पॉइंट्स यू विल गेट इन अ इमेज। सो कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, सो यू कैन सी दैट द इमेज यू विल गेट इज अ लेटरली इन्वर्टेड। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज अ लेटर पी एज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ इमेज ऑफ लेटर पी यू विल गेट। नाउ दिस इज अ रीजन वाई यू कैन सी इन अ एम्बुलेंस द वर्ड्स रिटन ऑन अ एम्बुलेंस इज लेटरली इन्वर्टेड। वाई? बिकॉज इफ समवन सी दोज वर्ड्स इन देयर मिरर, इन अ साइड मिरर ऑफ अ व्हीकल, ही विल रीड दैट होल वर्ड एज अ एम्बुलेंस इन अ राइट वे। ओके, सो दिस इज अ रीजन वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड ऑन अ एम्बुलेंस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। नाउ लेट्स समराइज दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। सो फर्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट फॉर्मुलाज फॉर अ प्लेन मिरर। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। यू कैन डिटरमाइन इट ऑल्सो, अप्लाई अ मिरर फॉर्मुला। सो देर इज योर मिरर फॉर्मुला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एज यू कैन सी डेट वी टेक u एज अ नेगेटिव, सो टेक u इज अ नेगेटिव u, टेक v एज अ पॉजिटिव v। ओके, नाउ वी नो डेट द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर। सो द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v। ओके, नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस मिरर फॉर्मुला। सो यू विल सी डेट 1/f इज इक्वल टू 1/-u प्लस 1/u। पुट दिस वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u। ओके, v इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो यू जस्ट पुट वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u, सो यू विल गेट 0। सो 1/f इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको जो f मिलेगा कितना मिल जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, सो बाय दिस मिरर फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। नाउ सी वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, सो f इज इन्फिनिटी, सो पुट द वैल्यू ऑफ f इन्फिनिटी, सो यू विल गेट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ओके, नाउ लेट्स सी मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय s, मीन्स साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन राइट -v/u। ओके, दिस नेगेटिव साइन इज विद अ फॉर्मूला। नाउ पुट वी नो डेट अ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो द वैल्यू ऑफ h डैश इज इक्वल टू h। ओके, सो बाय दिस यू विल गेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1+1। ओके, सिमिलरली इफ यू पुट वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू v, सो पुट द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू v। नाउ इन दिस फॉर्मूला we put value of v is equal to u here, so put value of v is equal to u, negative is a sign which is in a formula. Okay, now u, we take u as a negative u by
our sign convention. So you put value of u is equal to minus u. So by this you will get 1, plus 1. So magnification of a plane mirror is plus 1, in which plus represent that image is virtual and erect. Plus sign क्या बताता है कि जो image बन रही है वो कैसी बन रही है, virtual और erect बन रही है. Okay, और 1 क्या बताता है, 1 represent that the size of image is equal to size of object. जो image का size है वही क्या है, object का size है. Okay. Now another formula. By this formula we will learn that, okay, so by these formulas we will learn that how many images are formed by the two plane mirrors if they are situated inclined to each other. कोई दो plane mirror हैं, एक दूसरे से किसी angle पर हैं, okay, एक दूसरे से किसी angle पर हैं और उनके बीच में अगर object रख दिया जाए symmetrically या asymmetrically, ठीक है, तो वो कितनी इमेज बनाएंगे. ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं. ये फॉर्मूले आपको सिंपली अप्लाई करना है और इन फॉर्मूले से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितनी इमेजेस उससे बनेंगी. ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको करना है, जैसे फर्स्ट केस लेते हैं, दिस इज अ फर्स्ट केस. ठीक है, इन दिस फर्स्ट केस हमारे पास दो मिरर हैं, ये मिरर, वन मिरर इज एम, अनदर मिरर इज एम डैश. सो लेट्स टेक the angle between the these two mirrors. ध्यान रखना जो angle लेना हो क्या लेना, mirror के बीच का. ठीक है, so let's the angle between the two mirrors m and m dash is theta. m और m dash के बीच का जो angle है वो कितना है, theta है. तो आपको theta यहाँ रख देना है. मान लो कि आपके जो दो हैं, दोनों mirror जो हैं एक दूसरे के perpendicular है, यानी दोनों के बीच का जो angle है वो कितना है, 90 degree. ठीक है, तो आपको यहाँ पर 90 degree रखना है. 90 डिग्री रखते इसको चेक करना है. तो इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यू विल गेट 4. तो 4 इज अ इवन. ठीक है, 4 क्या आएगा, आपका इवन आएगा. तो 4 इवन आया तो इसका मतलब है कि चाहे मिरर जो है वो मिरर जो है इंक्लाइंड है एक दूसरे के, और उनके जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या असिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, जो इमेजेस बनेगी वो कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा माइनस 1. ठीक है, यानी यहाँ पर हमने थीटा कितना रखा था, 90, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितना जाएगी, 3. ठीक है, अब ये चीज देख लेते हैं कि सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली का मतलब क्या है. सिमेट्रिकली मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उनके बाइसेक्टर पे रखा हो. ठीक है, जैसे मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एम और एम डैश के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आधे आधे कितने जाएंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री. अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा हुआ है बाइसेक्टर पर तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकली. ठीक है, और अगर बाइसेक्टर पर नहीं है तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिकली. तो पहला वाला जो फिगर है वो तो बता रहा है सिमेट्रिकली का मतलब, और दूसरा वाला जो फिगर है ये बता रहा है असिमेट्रिकली का क्या मतलब होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है. जैसे ही आपको दे कि भाई देर आर टू मिरर्स एंड दे आर सिचुएटेड एट सर्टन एंगल विद ईच अदर, दो मिरर है और वो दोनों ही एक दूसरे से किसी एंगल पर है. ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू रख के इनको डिवाइड करके रेशियो निकालना है. अगर रेशियो इवन आ जाता है तो सिंपली जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1. जैसे अभी यहाँ पर मान लो कि दीज टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना होगा, 90. 90 से डिवाइड करो तो आएगा 4. 4 क्या है, आपका इवन है. ठीक है, तो इवन है तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो 4 माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस कितना जाएगी, 3. ठीक है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि जैसे मान लो यहाँ तो आपका रेशियो इवन आया था, मान लो आपका रेशियो जो है वो ओड आ गया. ठीक है, आपने यहाँ पे डिवाइड करा थीटा, ऐसा कोई वैल्यू रखी थीटा की इस तरह से है कि जो रेशियो है इसका वो ओड आता है. तो अगर ओड आता है तो आपको चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है या असिमेट्रिकली रखा हुआ. ठीक है, सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली मैंने आपको यहाँ बताई दिया है. अगर बाइसेक्टर पर रखा है तो सिमेट्रिकल है, और अगर बाइसेक्टर पर नहीं है तो असिमेट्रिकल है. ठीक है, तो आपको ये रेशियो निकालना है. अगर ये रेशियो ओड आता है, ठीक है, तो ओड अगर आ गया, मान लो रेशियो जैसे 5 आ गया 7 आ गया, ऐसा आपके अगर रेशियो आ जाता है, ओड आ जाता है, तो आपको ये दो केस चेक करना है. चेक करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली रखा हुआ है या असिमेट्रिकली रखा हुआ है. अगर मान लो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा माइनस 1. ठीक है, अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1. और अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय
थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको क्या कर रहे हैं। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में दिया है कि दो मिरर है वो एक दूसरे से किसी एंगल पर हैं, जितने भी उस एंगल की वैल्यू दी है तो आपको ये रेशियो निकालना है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, अगर वो इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस वन। अगर वो ओड आता है रेशियो तो आपको ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिकली रखा है ऑब्जेक्ट या असिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली रखा है तो जो इमेजेस बनेगी वो कितनी रहेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा माइनस वन, और अगर असिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा। ओके, अब मान लो कि आपने नंबर ऑफ इमेजेस निकाली और नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो क्या आ रही है, डेसीमल में आ रही है, तो हमें डेसीमल में वैल्यूज नहीं लेनी है। ठीक है, हमें क्या लेना है, उनकी वैल्यूज जो लेनी है वो इंटीजर वैल्यूज लेनी है, डेसिमल में वैल्यूज नहीं लेनी है। ओके, सो लेट्स मूव नाउ, लेट्स सी अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, ये जो आपको ध्यान रखना है कि मान लो दो जो मिरर है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब दो मिरर अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल अगर 90 डिग्री है और आपको पता करना है कि कितनी इमेजेस उससे बनेगी, तो हमारे पास फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय थीटा। तो यू पुट 360 डिग्री बाय थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहां से आपके पास आएगा 4। तो 4 क्या है, इवन है। ठीक है, दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप थीटा 90 रख दो तो 4 आया, 4 क्या है, इवन है। तो अगर इवन होता है तो सीधे आपको करना है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना जाएगा, 3। तो अगर दो एंड दीज थ्री इमेजेस आर इन अ सर्कल, ये जो तीन इमेजेस बनती है ये क्या होती है, सर्कल में होती है। ठीक है, और इन सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल का सेंटर होगा जहां पर के दोनों मिरर जो है वो मिल रहे हैं, दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो रेडियस होगी इस सर्कल की, वो रेडियस जो है वो ऑब्जेक्ट और जो सेंटर है सी उनके बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम ओनली, इट इज अ वेरी रेयर चांस डेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, नाउ इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा आफ्टर कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन इज, सो ये है इस तरह से कि दो मिरर आपको दिए हुए हैं, दीज आर द टू मिरर्स, दिस इज अ फर्स्ट मिरर, ओके, एंड दिस इज अ सेकेंड मिरर, और इन दोनों मिरर के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो जो डेविएशन, डेविएशन किसको कहते हैं, कि जो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको डेविएशन बोला जाता है। तो जैसे अगर ये फर्स्ट मिरर है अपना और इस फर्स्ट मिरर में ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा वन। डेल्टा वन इज अ रिफ्लेक्शन फॉर अ फर्स्ट मिरर, सिमिलरली यू कैन सी दैट दिस इज अ रिफ्लेक्शन फॉर अ सेकेंड मिरर। ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्शन फॉर अ सेकेंड मिरर, तो यू कैन राइट दिस, टोटल रिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये टोटल रिफ्लेक्शन हो गया, और इसकी वैल्यू जो आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 2π - 2θ। ओके, सो इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा आफ्टर कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन इज हाउ मच, 2π - 2θ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर दैट हाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, सो आई कैन डिवाइड दिस वीडियो लेक्चर इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज इन बोर्ड एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स अ क्वेश्चन कम्स दैट राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके, सो दिस सिंपल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द एक्सप्लेनेशन विच आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई प्रिपेयर दिस वीडियो लेक्चर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, हाउ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ऑल द फॉर्मुलाज, एंड दीज फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू सॉल्व द क्वेश्चन अप टू अ कॉम्पिटिटिव लेवल।
Okay, so in my next video lecture, we will solve some numerical problems on the basis of plane mirror. Okay, and those problems are of competitive level. Okay, thank you for watching and thank you for the type of support I am getting from all of you students. Okay, thank you.